बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं ओरेंज कुकीज़, जिसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 2 कप हमने मैदा ले लिया है, 2/3 कप हमने घी लिया है, इसको हमने मेल्ट कर लिया है, 1 कप हमने पाउडर शुगर लिया है, चीनी लेके हमने उसको पीस लिया है और इसका पाउडर बना लिया है। माल्टे के छिलकों को हमने बारीक क्रश कर लिया और ये हमने 2 टेबलस्पून ले लिए हैं। 1/3 टीस्पून बेकिंग पाउडर ले लिया है, 2 टेबलस्पून हमने मेवे ले लिए हैं और 1 हमने अंडा ले लिया है। तो हम ओरेंज कुकीज बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसमें ये जो घी हमने लिया ये डाल देंगे। 1 टेबलस्पून इसमें मक्खन डालेंगे, इनको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से और इसमें पाउडर शुगर डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। ये मिक्स हो गया, अब हम इसमें अंडा डाल देंगे, दोबारा से मिक्स करेंगे अंडे के साथ। इसको अंडे के साथ से इतना हमने मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें ये माल्टे के छिलके जो हमने क्रश किए थे वो डाल देंगे और साथ ही हम इसमें मेवे डाल देंगे, दोबारा से मिक्स करेंगे। अब ये बेकिंग पाउडर जो हमने लिया था इसको मैदे में पहले अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। हमने मैदे और बेकिंग पाउडर को मिक्स कर लिया है, अब हम इसको इस बैटर के अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब हमने इसको हाथों की मदद से मिक्स करना है। ये हमने इसे गूंद के हार्ड कर लिया है, अब हम इसे सरफेस पे निकालेंगे और इस सरफेस पे इसको रोल करेंगे हम। ये इस तरह का होना चाहिए, इसमें इलास्टिसिटी नहीं होनी चाहिए। ऑरेंज कुकीज़ की डो हमारी रेडी हो गई है, अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे ठंडा होने के लिए। 15 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे सरफेस पे निकाल लेते हैं। जितने साइज़ का हमने बिस्किट बनाना है उस हिसाब से हम मटेरियल ले लेंगे, पर बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं बनाना है वरना ये फ़ौरन जल जाएंगे। और इस साइज़ के हम बिस्किट बना लेंगे। ये एक हमने बना लिया है, इसी तरह हम सारे बना लेते हैं। ये हमने ऐसे बना लिया है, अगर आपने इसको प्रॉपर गोल शेप देनी है तो आप कोई बिस्किट कटर ले लें। मेरे पास ये ग्लास है, मैं इस ग्लास से इसको शेप दे रही हूँ। ये देखें इसकी शेप आ गई है, एक्स्ट्रा हम साइड पे कर लेंगे। ये हमारे सारे बिस्किट तैयार हो गए हैं, अब हम एक बेकिंग ट्रे में इन्हें रखेंगे। ट्रे को ग्रीस नहीं करना, विदाउट ग्रीस हम इसको बेकिंग ट्रे में रखते हैं। ये सारे हमने बेकिंग ट्रे में रख लिए हैं। माइक्रोवेव को हमने 180 डिग्री पे 15 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है, अब हम इसे 180 डिग्री पे 15 मिनट के लिए ही बेक करेंगे। दरमियान में हम इसे लगाएंगे और 180 डिग्री पे हम इसे 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं और ये बिस्किट हमारे बेक हो चुके हैं, अब हम इन्हें कूलिंग रैक पे निकालते हैं। हमने इन्हें कूलिंग रैक पे निकाल लिया है, अब हम इन्हें 5 से 10 मिनट के लिए कूल होने देते हैं। ये हमारे ऑरेंज कुकीज़ रेडी हैं, अब हम इन्हें डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। तैयार है हमारे ऑरेंज कुकीज़। ये बहुत ही ईजी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।